हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। तो जैसे कि आप पुरानी वीडियो में देख के आपने गेस कर ही दिया होगा कि हमने कौन सा हेलमेट लिया है, तो आज हम इसी हेलमेट की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं जो कि है एग्जोर का विविड। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। अभी इसे जल्दी से अनबॉक्स करते हैं। ये रहा हमारा हेलमेट। तो सबसे पहले इसमें एक डब्बा आता है, एक बैग मिल जाता है। ये एग्जोर की ब्रांडिंग है इस पे हेलमेट के लिए। और उसके बाद ये हमारा हेलमेट है एग्जोर का विविड। तो भाई इसमें कुछ एक्स्ट्रा सामान मिला है, इसे देखते हैं एक बारी। तो इसमें मिलता है हमें एक एग्जोर का स्टिकर, एग्जोर हेलमेट, एक रिफ्लेक्टर, एक ब्लड ग्रुप वाला। इस अगर कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो हेलमेट पर अगर ब्लड ग्रुप पता होगा तो हेल्प हो सकती है उसकी जल्दी जल्दी। इन केस ऑफ एक्सीडेंट डू नॉट रिमूव द हेलमेट अनलेस यू आर ए डॉक्टर और मेडिकल असिस्टेंट। और एक मिलता है इसमें हमें स्पॉइलर, ये वाला। और एक स्पॉइलर इस पर लगा हुआ है पहले से, जिसकी लुक की काफ़ी अट्रैक्टिव है। बाकी यार हेलमेट आप देख सकते हो, एक ग्लॉसी है, मैट में भी आता है। सबसे पहले इसका लुक काफ़ी तगड़ा है भाई, देख सकते हो आप। इस हेलमेट में आपको मिल जाता है ड्यूअल वाइज़र। ये इसका ड्यूअल वाइज़र है जो कि आप यहाँ से ओपन कर सकते हो, क्लोज और ओपन। साइड में एक बटन दिया होगा। और फिर भाई इसमें एक ख़ास बात यह है, इसमें आपको एंटी फॉग वाइज़र मिल जाता है। एंटी फॉग वाइज़र बोले तो, जब सर्दियों में हेलमेट में फॉग जम जाती है तो ये एंटी फॉग वाइजर है। इसमें फॉग वगैरह नहीं जम, देख सकते हो। इसमें प्रॉपर एक 3D लोगो दिया गया है एग्जोर कंपनी का। ऊपर से इसमें एक चिन प्रोटेक्टर है जो कि प्रोटेक्ट कर देगा, मतलब डस्ट को अंदर आने नहीं देगा। और इसकी पैडिंग भी बहुत ही सॉफ्ट है, रिमूवेबल पैडिंग है इसकी। आप इसे निकाल के अच्छे तरीके से वॉश कर सकते हो। डॉटेड ECE, जैसे आप देख सकते हो इंडिया में जो होता है ISI, और जो यूरोप कंट्रीज़ में जो होता है वो डॉट और ACE होता है। और इसकी एक और ख़ास बात है, इसमें DD लॉक मिलता है आपको, जो कि सबसे सेफेस्ट लॉक माना जाता है। आप देख सकते हो ये DD लॉक है। और जो सिंपल हेलमेट में जो लॉक होता है वो कुछ इस टाइप का लॉक होता है। और भाई ये मेरा पुराना हेलमेट था जिसने कि बहुत साथ दिया मेरा, वेगा का। इसमें भी ड्यूअल वाइज़र था, देख सकते हो। और ये भी ग्लॉस में था भाई, जो भी हेलमेट लो ग्लॉस में लो, क्योंकि भाई देख सकते हो इस हेलमेट को 2.5 साल हो चुके हैं और अभी भी आप इसकी शाइनिंग देख सकते हो। तो यही फ़ायदा होता है ग्लॉस का, जो मैट होता है उसमें मैट में स्क्रैच वगैरह आ जाते हैं। तो एक बार आपको पहन के दिखाते हैं इसे।